14 फरवरी 2019 की वो मनहूस तारीख जब देश आतंकी हमला से लहूलुहान हुआ था, वो जगह थी कश्मीर का पुलवामा। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू पांडे, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम। आज ही के दिन सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाकर एक फिदायीन हमले को अंजाम दिया गया था, जिसमें करीब 40 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये हमला इतना भयावह था कि शव को सड़कों से खुरच खुरच कर उठाया गया था। पुलवामा आतंकी हमला देश के सीने में उस जख्म की तरह है जो धीरे धीरे भर तो सकता है लेकिन भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि देश ने 40 जवान को खोते हुए देखा है। लेकिन भारतीय वायुसेना के वीर सपूत पाकिस्तान और नापाक के मंसूबे को बाखूबी नाकाम करना जानते हैं, और यही वजह है कि पुलवामा हमले के 12 दिन बाद ही भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया और बालाकोट एयर स्ट्राइक का लॉन्च पैड भी तबाह कर डाला। 14 फरवरी 2019, ये दिन, ये तारीख कौन भूल सकता है, जब पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्दों ने आतंकी हमले को अंजाम दिया, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। ये वो तारीख है जब देश खूब रोया था। कश्मीर का पुलवामा जिला एक जबरदस्त विस्फोट से दहल उठा था। हमला सीआरपीएफ के बस काफिले को निशाना बनाकर किया गया था, जिसमें भारत के कई जवान शहीद हो गए थे। हमला ऐसा था जिससे देश सिहर उठा था। जवानों के शव सड़कों से उठाए गए थे। ये भयावह मंजर और वो दर्दनाक दृश्य आज भी देश के दिलों में डरावनी यादें बनकर जिंदा है। घात लगाकर उस फिदायीन हमले में 200 किलो विस्फोट से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी से सीआरपीएफ काफिले में शामिल एक बस में टक्कर मारकर विस्फोट किया गया था, जिससे इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि पुलवामा की अवंतीपोरा के आसपास कई किलोमीटर दूर स्थित मकानों के भी खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार है, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। जिस बस में फिदाई ने विस्फोटक से भरी गाड़ी से टक्कर मारी थी, उस बस के परखच्चे उड़ गए थे और बस में सवार सीआरपीएफ के 40 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में पल रहे जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने ली थी। ये आतंकी हमला देश के लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन 40 जवानों का खून देखकर देश लगातार शहादत का बदला लेने की मांग कर रहा था, क्योंकि देश ने सीआरपीएफ के 40 जवान खोए थे। तिरंगे से लिपटे शहीद जवानों के शव देखकर देशवासियों के दिलों में जो आग लगी थी, वो सबको हर पल बेचैन कर रही थी। जो आग आपके दिल में है, वही आग मेरे दिल में भी। इस आक्रोश की आग से पूरा देश उबल रहा था। इसी बीच पूरे मुल्क से आवाज उठने लगी थी कि देश में 40 जवानों की शहादत का बदला जल्द लिया जाए, क्योंकि कब तक देश ऐसे ही बर्दाश्त करता रहेगा, कब तक इन गुनहगारों को बख्शा जाएगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही। शहादत का बदला लेने के लिए पुलवामा के गुनहगारों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा गया था।
तो उधर तैयारी पुलवामा के गुनहगारों की, असली आकाओं को नए भारत का नया अवतार दिखाने की थी। एलओसी के पार ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के 80 किलोमीटर अंदर तक जाकर 12 मिराज फाइटर विमानों ने पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों के अड्डों पर बम बरसाए और उन्हें ध्वस्त कर दिया। साल 1971 के बाद ये पहली बार हुआ कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के घर में घुस कर मारा था और पल रहे आतंकी आकाओं को चुन चुन कर सफाया किया था। अरे देश की जैन सेना ने पराक्रम किया है, देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। पुलवामा में जो जख्म मिले उसका बदला पाकिस्तान में घुस कर लिया गया। यही नए भारत का नया रूप था जिसमें आतंक को ध्वस्त करने की कसम भी किसी हद की मजबूरी नहीं थी। पुलवामा के बाद बालाकोट से भारत ने पाकिस्तान से निपटने की तरीके बदल दिए। ये एक नई नीति का जन्म था जो पुलवामा हमले और 14 फरवरी 2019 की तारीख के जख्मों से निकली थी। पुलवामा के हमले ने इस नई नीति से आतंकिस्तान और उसके हमदर्दों को पस्त कर दिया और आतंक के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान कर दिया। वहीं पुलवामा हमले में एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक चार्जशीट जारी की है जिसमें कई विस्फोटक खुलासे किए गए हैं जिनको सुनकर आप भी चौंक पड़ेंगे। कम से कम दो नहीं, चार नहीं, 19 दहशतगर्दों के नाम शामिल हैं। रिपोर्ट देखिए। पुलवामा हमले की जांच एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई थी। उसके इकबाली गुनाह के बाद एनआईए ने साल भर से ज्यादा वक्त लेते हुए एक विस्तृत चार्जशीट तैयार की और उसे अदालत में दाखिला किया। इस चार्जशीट में एक एक गुनहगार के गुनाह दर्ज किए गए। ये चार्जशीट 13,500 पेजों में तैयार की गई जिसमें ऐसे ऐसे खुलासे किए गए जिसे सुनकर आप भी चौंक पड़ेंगे। इस हमले के साजिश को अंजाम देने वाले कुल 19 गुनहगारों के चेहरे बेनकाब हुए हैं। पुलवामा के इन गुनहगारों के चेहरे आप भी पहचान लीजिए। देख लीजिए मासूम जवानों को मौत के घाट उतारने वाले सपोलो के चेहरे और इनके चेहरे पर छाई इस मुस्कान को भी देखिए जो शायद पुलवामा हमले को अंजाम तक पहुंचाने के बाद आई होगी। इस चार्जशीट से जो खुलासे हुए हैं उनसे सीधे सीधे ये पुख्ता हुआ है कि आतंकी हमला पाकिस्तान के ही सह पर हुआ था। इनमें जिन 19 आतंकियों और षड्यंत्रकारियों के नाम गिनाए गए हैं उनमें पहला नाम है मसूद अहर अलवी पाकिस्तान, रऊफ असगर अलवी पाकिस्तान, अम्मार अलवी पाकिस्तान, शाकिर बसीर पुलवामा जम्मू कश्मीर, इंशाजान पुलवामा जम्मू कश्मीर, पीर तारिक अहमद शाह पुलवामा जम्मू कश्मीर, वैस उल इस्लाम श्रीनगर जम्मू कश्मीर, मोहम्मद अब्बास पुलवामा जम्मू कश्मीर, बिलाल अहमद कूच पुलवामा, मोहम्मद इकबाल बडगाम जम्मू कश्मीर, मोहम्मद इस्माइल पाकिस्तान, समीर अहमद डार पुलवामा जम्मू कश्मीर, आशिक अहमद निंगरू पुलवामा जम्मू कश्मीर, आदिल अहमद डार पुलवामा जम्मू कश्मीर, मोहम्मद उर्फारूक पाकिस्तान, मोहम्मद कामरान अली पाकिस्तान, सज्जाद अहमद भट्ट अनंतनाग जम्मू कश्मीर, मुदस्सिर अहमद खान पुलवामा जम्मू कश्मीर, कारी यासिर पाकिस्तान। पुलवामा आतंकी हमले से जुड़े ये 19 दहशतगर्द हैं जिन्होंने 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में जघन्य गुनाहों का अंजाम दिया था जिससे हिंदुस्तान का दिल दहल उठा था। हम वो मंजर आज भी नहीं भूले हैं जब देश के रणबांकुरों के अवशेष पुलवामा की सड़कों से खुरच खुरच कर उठाए गए थे और उनके घरों में उनके पार्थिव शरीर नहीं शरीर के कुछ बच्चे खुचे अवशेष पहुंच पाए थे। उस दिन देश खूब रोया था।
पुलवामा हमले के बाद देश भर में गुस्से का उबाल था। हर तरफ एक ही शोर था, अपने शहीदों के बलिदान का बदला लेना जरूरी है। देश में एक तरफ गुस्से का उबाल था तो दूसरी ओर देशवासी गमगीन भी थे। देश के अलग अलग राज्यों में वीर सपूतों को अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही थी। पुलवामा में हुए हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने भी खतरा बताया था, जिसको लेकर इस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ा। लेकिन चीन ने इस पर अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया। लेकिन देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का ही असर है कि पाकिस्तान और उसका आका चीन अच्छे से जानता है कि नया भारत है, इसे छेड़ेंगे तो ये छोड़ेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। खैर, पाकिस्तान हो या फिर आका चीन या फिर और भी कोई दुश्मन देश, अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि नया भारत है, अगर इसे छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस कर मारेंगे।